कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने सबसे सेक्टर 2 में कुरुक्षेत्र गैस एजेंसी एवं ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यहां पर विधायक ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की रिफिलिंग की पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया और यहां के संचालक राजेंद्र कुमार से बारीकी से फीडबैक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की होम डिलीवरी से कोरोना मरीजों को नया जीवन दान मिल रहा है। सरकार की इस पारदर्शी प्रणाली से मरीजों को जीवन सहज हो रहा है और मरीजों को अब ऑक्सीजन तक पहुंचने के लिए किसी का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों को सिर्फ पोर्टल पर एक क्लिक करने की ही जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन की हर मरीज प्रशंसा कर रहा है। खली को भरते हैं हम। अच्छा, और यही होता तो कहते हैं ये बड़े पड़े हैं, ये पहले कुछ, लेकिन वो क्या रहा है कि कई कई सिलेंडर आते हैं, किसी किसी के इमरजेंसी होती है तो कुछ दो दो तीन तीन चार चार घंटे मतलब वो करते हैं कि भाई। आज जहाँ पर हमारा लिक्विड ऑक्सीजन जहाँ पर आ रही है प्लांट में, वहाँ जाकर मैंने मौका देखा और वहाँ पर किस प्रकार से जनता को जो घर घर में आज हमारे जो पहुँची होते हैं, जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उनके लिए जो सिलेंडर थे, मैंने उसकी व्यवस्था को देखा। कितने सिलेंडर इशू हुए, किस घर में जाके किस दिन मिले नहीं मिले, रेड क्रॉस हमारी जो अपनी है वो जाके वहाँ पर सप्लाई कर रही है, तो वहाँ जाके इशू और घरों में जाके मैंने चेक किया और मैंने बहुत से देखा किसी भी पब्लिक को किसी प्रकार की ऑक्सीजन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। इसकी पूरी मैंने व्यवस्था वहाँ पर प्लांट पर जाकर देखी और प्लांट से अब कुछ आया, कुछ छोटी छोटी बातें थी उनका भी मैंने वहीं पर मौके पर निर्णय लिया। मैं अपना प्लांट मालिक राष्ट्र जी का भी, रजिंदर जी का भी धन्यवाद करूँगा, शर्मा जी का जो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसरों का भी धन्यवाद करूँगा जो दिन रात इस कार्य में लगे हैं। और जो भी हमारे पास कोई भी शिकायत आएगी, किसी प्रकार की कोई कमी होगी, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन को कह के उसको पूरा कराया जाए। यश बाबू न्यूज़, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज़।